नमस्कार किसान भाइयों, डेयरी फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम एचएफ काऊ डेयरी फार्मिंग के बारे में बातचीत करेंगे। जिन किसान भाइयों को मिल्क सेल से डेली इनकम चाहिए वह एचएफ काऊ डेयरी फार्मिंग के बारे में सोच सकते हैं। यह फार्मिंग शुरू करने से पहले आपकी कुछ बातें जो है कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि मैं डेयरी फार्म शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ पर एचएफ काऊ जो है यह हमारे एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो जाएगी क्या, यह आपको पहले देखना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने एरिया में टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे एचएफ काऊ डेयरी फार्मिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें जो है माहौल ठंडा लगता है। वहाँ का टेम्परेचर जो है तकरीबन 25 से 30 डिग्री तक अगर होता है आपके एरिया में तो वहाँ पे एचएफ काऊ डेयरी फार्मिंग अच्छी हो सकती है। तो साल भर हमें टेम्परेचर के बारे में पहले देख लेना जरूरी है। उसी तरह एचएफ काऊ के बारे में हम देखेंगे तो इसका मिल्क प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है। एक गाय आपको डेली तकरीबन 20 से 25 लीटर तक दूध एक गाय से आपको मिल सकता है। तो यह प्रोडक्शन लेने के लिए हमारे पास फोडर की अवेलेबिलिटी होनी भी ज़रूरी है। हम अगर जनरली देखते हैं तो एक एचएफ काऊ को तकरीबन 40 किलो तक फोडर लगेगा, जिसमें हरा और सूखा चारा ये दोनों फोडर हमारे पास होने जरूरी है। तो काफ़ी बार हमारे से गलती हो जाती है कि काऊ तो हम परचेस कर लेते हैं लेकिन हमारे पास फोडर न होने की वजह से जिस गाय से हमें 20 लीटर दूध मिलना चाहिए वह मिल नहीं पाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मैं अगर डेयरी फार्मिंग काऊ उसका शुरू कर रहा हूँ तो मेरे पास खुद का ज़मीन है क्या और उस ज़मीन में पानी की अवेलेबिलिटी है क्या, जिसके ऊपर मैं ग्रीन फोडर तैयार करूँगा और इन गायों की जो फोडर रिक्वायरमेंट रहती है यह पूरी करूँगा। तो यह भी सोच हमें रखनी जरूरी है। उसी तरह दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर अगर एचएफ काऊ से लेना है तो उनके लिए फीड भी देना जरूरी है। फीड में आपको मेज लगेगा मक्की और उसी के साथ हमें ऑयल सीड केक भी लगेगा और उसमें हमें मिनरल मिक्सचर ऐड करके हम एक होममेड फीड अच्छा बना सकते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन लेना है तो उन्हें हमें फीड भी देना जरूरी होता है। एचएफ काऊ परचेस करने के लिए काफ़ी सारे रेपूटेड मार्केट है महाराष्ट्र में। आप अगर देखेंगे तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी अच्छी एचएफ काऊज मिलती है। उसी तरह हम इंडिया की बात करेंगे तो हरियाणा से भी आप एक अच्छी ब्रीड की गाय जो है वह परचेस कर सकते हैं। इनका एवरेज प्राइस देखा जाए तो तकरीबन 1 लाख में आपको एक अच्छी एचएफ काऊ जिसका अच्छा मिल्क प्रोडक्शन है आपको मिल सकती है। एचएफ गायों को बीमारियों से दूर रखने के लिए हमें पशु वैद्य की मदद लेना जरूरी होता है, जिसमें हमें इनका टीकाकरण वैक्सीनेशन जो है वह पूरे साल भर प्रॉपरली करना जरूरी होता है ताकि इन्हें कोई वायरल बीमारी न आ सके और उससे जो लॉसेस होने वाले हैं वो भी न हो, इसलिए हमें पशु वैद्य की सलाह लेनी जरूरी है। उसी तरह दूध उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से मस्टाइटिस जैसी भी बीमारियाँ आती है तो इसकी केयर भी हमें डेयरी फार्मिंग करते समय लेनी जरूरी होती है। तो फ़ायदेमंद एचएफ काऊ डेयरी फार्मिंग करने के लिए आप ये बातें ध्यान रखते हैं तो आपका एक प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू हो सकता है। हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।